हेलो गाइस, हमारे पास में एक 4018 सिग्ना आया हुआ है। इसमें दिक्कत ये है कि जब भी ये ब्रेक लेता है ये ब्रेक रोल कर जा रहा है। ब्रेक दबाने के बाद पैंडल ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है। दो तीन बार लगातार पैंडल दबाता है तब ब्रेक कुछ काम करता है। नोर कंपनी का ब्रेक बूस्टर है। इसमें होता है क्या, दरअसल जब कचड़ा वगैरह अंदर चला जाता है, पानी उन्हें धुला जाता है गाड़ी जब डैशबोर्ड के अंदर से, तो वहाँ से पानी चला जाता है, जिसके कारण से ये सब होता है। देखिए कितना सारा कचरा है इसमें। अभी इसको पूरा खोल के सर्विस करेंगे। ये ब्रेक पैंडल का बीमारी बहुत ज़्यादा आता है इस सब गाड़ियों में, इसलिए ड्राइवर को भी थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए कि पानी वहाँ पे कम यूज करे। हवा से कोशिश कीजिए गाड़ी अंदर साफ कर ले। ये ब्रेक स्विच है, ये प्रेशर मीटर जो बताता है रियर और फ्रंट का, ये स्विच दोनों प्रेशर मीटर का है। प्रेशर मीटर इसका बराबर 10 पे रहता है, कभी 4 पर दिखा देता है, कभी 8 चला जा रहा है, 5 पर रह जा रहा है। सेंसर का दिक्कत है कि वायरिंग का चेक करने पे मालूम चलेगा, फंस जाता है इसके अंदर, जो मीटर हमारा शो नहीं कर पाता है डैशबोर्ड में। इसको खोल के पूरा सर्विस करेंगे, देखते हैं क्या दिक्कत है। ये जो लाल वाला स्विच देख रहे हैं आप, ये जो स्विच है ये है आपका ब्रेक वाला स्विच। दो ब्रेक स्विच लगा हुआ रहता है, दोनों का काम है। ब्रेक जब दबाते हैं तो पीछे से ब्रेक लाइट जलता है, ब्रेक लाइट चलता है उसी से। ये देखिए खोले कितना गंदगी है इसके अंदर, ये देखिए कितना गंदगी चलाई इसमें। ब्रेक रोल जब ब्रेक दबाते हैं ना तो कचरा वगैरह फंस जाता है यहाँ पे पिस्टन में या फिर वाल्व की जगह में, तो ब्रेक ऑटोमेटिक रोल कर जाता है। ये हमारा सारा सिस्टम खुल चुका है, इसको अच्छी तरह से सर्विस कर लेंगे पेट्रोल से। इसमें किट नहीं डालना है भाई, लीक नहीं है। ये देखिए कितना कचड़ा है। ये वाल जो देख रहे हैं आप, ये जो ये वाल का काम है प्रेशर रोकना। अगर वाल ख़राब हो जाएगा तो प्रेशर डायरेक्ट हो जाता है नीचे साइड से, बूस्टर के नीचे साइड से। देखिए वाल में कितना कचड़ा है, इसको अच्छी तरह से सबको पेट्रोल से सफाई कर लेंगे। किट चेंज भी होता है इस पीरियड में, किट चेंज कर देंगे तो और बेहतर रहेगा, लेकिन हम इसको सिर्फ खोल के सर्विस करेंगे। इसका किट बहुत हद तक सही है, सिर्फ कचड़े की वजह से हुआ है ये। देखिए दूसरा बार में भी बहुत ज़्यादा कचड़ा है। अच्छी तरह से आप साफ सफाइयाँ कर लेते हैं इसको, उसके बाद फिट करके, फिटिंग करते समय आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ब्रेक कर आम रोल होता है, ब्रेक बूस्टर्स हर जगह पे पीछे वैकम वगैरह में यहीं से सप्लाई जाता है हमारा। ब्रेक दबाते हैं छोड़ते हैं तो हवा रिलीज करके बेचते हैं वहाँ पर। अब इसको फिटिंग करते हैं बारीकी से, जैसे खुला है वैसे इसको पास हो गया ये पूरा सिस्टम फिट कर रहे हैं। ये जो डब्बे में हमने मोबिल और ग्रीस मिक्स करके डाला ताकि पतला रहे, खिले अच्छी तरह से, तो इसके लिए स्पेशल ग्रीस आता है किट में। हाँ साहब, जो जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये सब में क्या है कि मोटापन और लुब्रिकेंट, सारा लक्की भैया को भेजा था बायो डाटा, हाईफाई नहीं रहता जिस पूरा सारा टायर का नंबर भेज देंगे आपके। कोई भी वाल्स वाला सिस्टम, उसमें ग्रीस कंपनी देती है, ग्रीस बहुत अच्छा ग्रीस होता है, पतला भी होता है और अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा, मैं चार टायर वाला वाल सेट कर दिया, अब ऊपर वाला वाल को चेक करने लगो तो बहुत सारी सब कोई आ जाता है लाइन, टायर की डेट भेज दो। ये हमारा सेट ये जाली लॉक कर देते हैं इसको। लॉक करने के बाद ये हो गया हमारा नीचे वाला एक वाल सेट हुआ। अब दूसरा इसमें सेट करेंगे, ये बड़ा वाला डब्बे में ओरिंग है, यहाँ पे ओरिंग बैठा लीजिए। इसमें हम सेट करते हैं दूसरा वाल, जो एक और वाल होता है
हवा रोकने के लिए उसको सेट कर लेते हैं। सेट करके इसको ग्रीस अच्छा थोड़ा पतला ग्रीस जाता और अच्छा रहता, और लेकिन पतला है ये मॉडल और ग्रीस मिक्स कर दिए। दूसरा वाल भी हमारा सेट हो गया। इसका मेन जो पिस्टन है ऊपर वाला, ये हाँ देखिए इसमें कुछ दागी टाइप का आया होगा, स्क्रेच टाइप का हो जाता है ऊपर वाले पिस्टन, यहाँ पे खिलता है वहाँ पे दाग हो जाता है। थोड़ा सा ग्रीस लगा के उसमें सेट कर देते हैं। ये लंबा वाला जो फेस है वो हमारा ये बूस्टर में ऊपर साइड रहेगा, और नीचे वाला फेस जो है ये सामने वाला हुआ बाल जो हम नीचे वाला हुआ सिस्टम में जो बाल फिट है ये उसी को प्रेस करता है तब जाकर हवा रिलीज होता है। इसको देखने बोरिंग वोरिंग कटने का डर रहता है, थोड़ा बारीकी से इसको सेट करेंगे। बोरिंग क्या है वो थोड़ा सा फैल गया है, लेकिन मालिक टैंकर वाले हैं भाई सर्विस कर दो, नहीं होगा तो दूसरा मंगा लेंगे मशीन अपने यहाँ से, अभी सर्विस कर दो देखते हैं बस सर्विस करके क्या रिपोर्ट मिलता है इसमें। पहला चक्कर कौन सी डेट आई डी हाथ पीछे यार देखो आईडिया बुक में लिखा हूँ लेकिन जाना पड़ेगा तो सेट हो गया ना। इसको स्टार्ट कर लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद ये जो हमारा बड़ा वाला पिस्टन बचा हुआ है ऊपर भाग का उसको अब सेट करेंगे। मैं इलाहाबाद से गया था, इलाहाबाद भर के आया था इतना याद, हाँ मतलब इलाहाबाद खाली किया था, इलाहाबाद से फिर हल्दिया आया था, फिर बैतालपुर गया। हवा का सिस्टम हो गया सारा खेल हो बीना के पहले, बीना के पहले बैतालपुर है इसका ओरिंग डाला गया रहता है और रबड़ का वाल बना हुआ रहता है, सारा खेल है रबड़ पे इसका ओरिंग। हाँ, हाँ, रबड़ प्रेशर और हाइड्रोलिक वाला सिस्टम हाँ, में ज्यादातर हाँ, रबर का ही यूज होता है क्योंकि उसमें है। कितने तारीख को गाड़ी वहां से लेके निकले हैं सिस्टम अच्छी तरह वर्क, पहला चक्कर अरे वहां से सेट हो गया। और हेलो कौन सा महीना ऊपर वाले हिस्से को सेट करेंगे 8 अक्टूबर को गाड़ी लेके निकले हैं तो ये नीचे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो ऊपर वाला फेस है ना इसमें कुछ स्क्रेच आ गया दागी आ गया दिखेगा। ये देखिए लाइनिंग टाइप का जो बना हुआ है ना ये बोरिंग जहाँ पे रहता है ना उसी से हुआ है, 8 अक्टूबर को निकले हैं और नौ को टायर कोई दिक्कत है नहीं कुछ ऐसा दिक्कत ये सक्सेस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बारी बार कम प्रॉब्लम है नहीं, बस मेन प्रॉब्लम था इसमें हमारा कचरा जो चला गया था उसी की वजह से ये रोल कर रहा था। अच्छी तरह से ग्रीस लगा लेते हैं इसमें और उसके बाद इसको हम सेट करेंगे। भर के इलाहाबाद से निकला उसके बाद खाली ही गाड़ी में लिया था। कोशिश कीजिएगा गाइस कि पतला से पतला ग्रीस हो या मोबिल हो उस चीज को यूज करना है, खास करके किट वाले आइटम। दसवां आ रहा है पता क्या कि हवा थोड़े से कचड़ा उचड़ा अगर चला जाता है ना थोड़ा बहुत तो वही ग्रीस में अगर
मिक्स हो जाएगा तो वो पूरा जाम कर देगा। पहला चक्कर में हल्का फुल्का ग्रीस नाम का डाला जाए इसमें। और अच्छी तरह से बैठा दूसरे टायर बैठाने के जो प्लास्टिक वाला हमारा गार्ड होता है पिस्टन में गाइड निकल जाता है सिस्टम में दागी अच्छी तरह से सावधानी से बैठाएं इस चीज को बॉडी में। देखिए हमने बैठा के लॉक पे डाल दिया इसमें लॉक हो गया सफल होता है तो ठीक है नहीं तो पूरा बॉडी हमारा ब्रेक अब रेडी हो चुका कोई दिक्कत नहीं होगा हो जाना चाहिए सफल है मिस्त्री। ब्रेक रोल करने का झमेला सारा खत्म हो जाएगा ब्रेक भी अच्छी तरह से लगेगा। अरे डिटेल नहीं लिखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना नोटिफिकेशन ऑन कर लो भाई बहुत तरह की वीडियो डाल हो जाएगा सकती ये सब ट्रेलर दिखा रहा हूँ आप लोग को पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई पिक्चर में यही दिखाऊंगा कि BS4 और BS6 का डोजर मशीन और टोटल सेंसर सिस्टम। थैंक यू।